सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो आए हो, बढ़िया होंगे, ठीक है। एंड जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, और जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में गाइस हम आपको बताने वाले हैं एम लॉक कैसे करें, ठीक है। एम लॉक हेडशॉट कैसे मारे अगर आप डायरेक्ट करते हो, जो आपका एम है वो बॉडी पे कनेक्ट हो जाता है। तो भाई इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आपका जो एम है ओनली हेड पे ही कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड गाइस क्या ऐसी टिप्स एंड क्या सेंसिटिविटी, क्या सेटिंग है, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आगे हम अपने फ्री फायर में, ठीक है। एंड गाइस ये है अपना ट्रेनिंग ग्राउंड, ठीक है। एंड गाइस जो एम लॉक है, ठीक है, ये एम बॉडी पे और हेड पे कनेक्ट क्यों होता है? मतलब अगर आप चाहते हो हेड पे कनेक्ट करना और बॉडी पे कनेक्ट होता है, तो ये होता क्यों है, ठीक है। पहले तो ये बता दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अपनी मेन करता है सेंसिटिविटी एंड प्लस रेड डॉट, ठीक है। ये दो चीज़ का काम होता है। तीसरा होता है फायर बटन, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें कवर करने वाले हैं कि आपका फायर बटन का साइज़ कितना होना चाहिए, एंड सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, एंड जो अपना रेड डॉट है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आ गए अपनी गेम में। एंड गाइस सीधे सीधे ज़्यादा वक्त ना करते हुए हम चल जाते हैं अपने सेटिंग एंड सेंसिटिविटीज़ में। तो भाई यहाँ के आपको सेंसिटिविटीज़ में आ जाना। फर्स्ट नंबर पर सबको कर देना 0, ठीक है। एंड गाइस जो मेन है, ठीक है, उसको तो 100 कर देना, जो जनरल अपना उसको 100 कर देना है। एंड जो मेन है गाइस, सबसे ज़्यादा मेन है ये रेड डॉट, ठीक है। इससे आपकी जो एम है, ठीक है, वो बॉडी पे लॉक होती है, हेड पे और जो पैरों को नीचे, ठीक है। तो गाइस इसको आपको रखना कितना है, तो मैं आपको गाइस इसको बता दूँ, इसको आपको 0 रखना है, ठीक है। गाइस ये जितना आप कम रखते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा ये ऊपर की साइड, ठीक है, जितना ड्रैग करते हो तो ये बहुत कम कनेक्ट होता है, ठीक है। तो गाइस ये ज़्यादा चांसेस होते हैं वो हेड पे कनेक्ट होने के होते हैं, रेड डॉट को 0 करके, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हो वन टाइप वाली गन लाइक डिजिटल शॉटगन या फिर AC-80 ऐसी वन टाइप वाली गन, तो रेड डॉट इसको 0 करना है, ठीक है। अगर आप SMG चला रहे हो तो इसको 3 या 4 रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। एंड जो अपना 2X है, 4X स्नाइपर, ठीक है, इसको आपको 20-20 कर देना है। एंड जो लास्ट में है, फ्री लुक करके जो ये है, ठीक है, इसको आपको 26, 27, 28 तीनों में से कोई भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने रैम के हिसाब से। अगर आपका 8GB प्लस रैम है तो इसको कम कर देना, ठीक है। 6GB या 4GB तो उसको 26, 27 कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद आपको करना है क्या है, आ जाना अपने एंड जो लास्ट है वो अपना फायर बटन का क्या साइज़ होना चाहिए, ठीक है। सबसे बढ़िया साइज़ क्या होना चाहिए जिससे आपका जो एम है, ठीक है, वो जो लॉक हो जाए हेड पे, ठीक है, बॉडी पर लॉक ना हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है जो छोटे रैम वाले फ़ोन होते हैं, 4GB के अभी तो भाई 6GB भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई जो 4GB रैम वाले हैं, ठीक है, उनको लिए बता दूँ जितना छोटा फायर बटन करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी कम होती है 4GB रैम वालों की, जिससे ड्रैग करने पे, ठीक है, उनका जो एम है वो बॉडी पर लॉक हो जाता है, चाहे वो अपना रेड डॉट 0 कर लें, ठीक है। तो फायर बटन इसमें काम कर देता है। फायर बटन का साइज़ आपको रखना है क्या है, 50 से नीचे रखना है, 40 नहीं रख लें, 50 रख लें। 50 से आपको प्लस नहीं रखना है 4GB रैम वालों के लिए, ठीक है। एंड कहते अगर 6GB और 8GB रैम है तो आपको क्या करना है, जो 50 से 52, 51, ठीक है, लेकिन 52 से भी आपको प्लस नहीं करना है 6GB और 8GB रैम वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि 8GB और 6GB की जो रैम है वो बढ़िया परफॉर्म करती है ड्रैग करने पे, एंड जो उनकी सेंसिटिविटी है ज़्यादा ईजिली ड्रैग हो जाता है, ठीक है। तो उनको 52 कर देना है 8GB और 6GB वाले को। अगर आपका 4GB रैम वाला फ़ोन है तो आपको कोशिश करना है कि आपको 50 से नीचे ही रखें, ठीक है, जिससे आपका ड्रैग अच्छा होगा एंड जो आपका एम है वो बिल्कुल हेड पे ही कनेक्ट होगा। एंड गाइस ट्राई करें, गेम प्ले में इंप्रूव जरूर आएगा, 2 या 3 दिन यूज़ करके देखना, ठीक है। एंड वीडियो चलते तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 4 मिनट की वीडियो हो गई है। एंड गाइस कोशिश करना सब्सक्राइब करने की, जल्दी अपने को टोके करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, लव यू ऑल।